Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixa. तो तैयार हो जानवरों के सबसे ज्यादा मजेदार मोमेंट्स देखने के लिए। चलो तो फिर नंबर 25। यहाँ पर जब इस बिलौटे को पता लगता है कि इसके दोस्त डॉग भाई ने ही कल रात इस बिलौटे की गर्लफ्रेंड को घर से भगाकर खदेड़ दिया था, तो जानते हो उसने क्या किया? देखने में तू बहुत इज्जत वाला लगता है, लड़कियों को छेड़ता है तू। ले भाई अब मारना। नंबर 24। यहाँ ये तीनों सौरभ, साहिल और पीयूष अपने फैन से मिलने घर के बाहर भागते हुए जा रहे हैं। चल 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 चल। ए गाड़ी स्टार्ट कर। अरे भाई पीयूष को तो देखो। अरे सुनो तो, गई भैंस पानी में। ठीक है गाइस, इसको अब हम थार से बाहर निकालेंगे। नंबर 23। लाइफ काफी ज्यादा आसान हो जाती है जब आप सिंगर हो और साथ ही नेहा कक्कर की फैन भी हो। माफ करना अगर कानों से खून आने लग रहा है तो, मेरे से भी आया था। नंबर 22। पापा की परी और कुत्तों के बीच की आपसी रंजिश तो जन्म जन्म से चली आ रही है, जरा ऐसे देखो। नंबर 21। संदीप माहेश्वरी सर से बस हम और आप ही प्रभावित नहीं है, जरा देखो हमारे डॉग भाई भी संदीप जी के सारे वीडियोस देखते हैं और फिर उसी के हिसाब से एक्शंस लेते हैं। तो क्या है लाइफ? लाइफ को समझो। लाइफ वहां तक नहीं है जहां तक आप सोच रहे हो, आपकी सोच से परे है, जहां तक आपकी सोच नहीं पहुंच सकती। नंबर 20। यहाँ इस बिल्ली की टेंशन देखो, इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये आवाज कौन सा बिलौटा कर रहा है। नंबर 19। जब माँ कुत्ती हो और बाप चूहा हो तो जानते हो कैसी औलाद पैदा होती है? ऐसी। तेरा तो गेम बजाना पड़े। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है। इसके दोस्तों को समझ नहीं आ रहा कि साला ये गायब कहाँ हो जाता है। नंबर 18। ये बंदा जिस दिन मरेगा ना, खुद ऊपर वाला इसको सलामी देने आएगा, जानते हो क्यों? अंजले, अरे अंजले, अंजले, अरे अंजले, मैं तुम्हें, तू मुझे, मैं तुम्हें, तू मुझे। बेटा उस मगर ने अगर तेरे को मगर मच्छ नहीं समझ लिया ना, तो ऐसा लव डोज देगा, जाने दो। नंबर 17। यहाँ ये आलिया भट्ट रोड पर घूम रही थी, जिसे देख हमारे दोनों लौंडे उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में इतने खो गए कि एक का तो पता ही नहीं लगा। अरे वाह, ये फटाकड़े कौन है? चल 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 चल। पहला पहला प्यार है। लड़की का चक्कर, मौत से टक्कर, क्यों डॉग भाई। नंबर 16। यहाँ पे ये बंदर काफी स्पीड में आता है और इस बच्चे को किडनैप करके ले जाता है, पर वो तो ये कहो कि लोग बच्चे को इससे बचा लेते हैं। अब इसमें फनी क्या था, गौर किया, ये बंदरा साथ में किसी बच्चे की बाइक चुरा करके लाया था। हरामी कहीं का, धूमत्री का चोर। नंबर 15। इन डॉग भाई को बिना बताए कमरे में घुसने की आदत लगी थी, जिसे ठीक करने के लिए इसके मालिक ने ऐसा दिमाग दौड़ाया ना। मजा ही मजा। नंबर 14। दोस्तों यहाँ पर ये बंदा न्यूज रिपोर्टिंग कर रहा होता है कि तभी पीछे से दो कुत्ते आशिकी 2 करते हुए कैमरे के फ्रेम में आ जाते हैं। कुछ देर बाद न्यूज रिपोर्टर का ध्यान जब इनकी घोड़ा गाड़ी पर जाता है ना, तो पूरी न्यूज की ऐसी तैसी हो जाती है। एक्सेसो डेल अल्टो अ ला पास। Esta zona podrán ver con las imágenes de Rufino. Imágenes de Rufino. नंबर 13। ये मैडम कुएं में गिर जाती है जिसमें ऑलरेडी एक चूहे महाराज भी होते हैं, पर चूहा तो हमारा सब्सक्राइबर निकलता है। फिर वो कहता है कि रुक जरा पापा की परी, मैं बताता हूँ तेरे को। मायला बाबू भाई ऐसे डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़े। अरे बचाला। नंबर 12। ये डॉग भाई खुद को टॉम क्रूज की नाजायज औलाद बता रहे थे, तो लोगों ने कहा प्रूफ करो। लो तो फिर आ गया प्रूफ,
डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। ये बाबूराव का स्टाइल है। नंबर 11। यहाँ ये बंदर भाई एक लड़की को इम्प्रेस करके मस्त खाने पीने के आइटमों का जुगाड़ तो कर लेते हैं, पर हराम का फलता थोड़ी है। यहाँ पे इस रायनो को देख के डॉग भाई की तो आत्मा निकल जाती है। बाप रे। नंबर 10। यहाँ इन डॉग भाई को इनकी जीप पर मधुमक्खी ने काट लिया है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है ना, तो मेरे भाई नर्क में स्पेशल वीआईपी एंट्री लिखी है तुम्हारे लिए, समझे। नंबर 9। यहाँ ये डॉग भाई इस मस्ती में है कि इनकी मालकिन तीर चलाएगी और हम भागते हुए उठा करके लेके आएंगे, पर जानते हो आगे क्या हुआ। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। ये भाई साहब अभी तक दौड़ ही रहे हैं, 3-4 समुंदर भी पार कर लिए हैं इनने अब तक। नंबर 8। दोस्तों बिल्लियां उधम तो डॉग भाई लोगों से भी बहुत ज्यादा मचाती हैं। यहाँ देखो इन महारानी ने इनके पूरे खाने के सामान को ही गिरा डाला है, जिसके बाद इसके मालिक ने बोला इधर आ बेटा तेरे से ही उठवाता हूँ। नंबर 7। अब यहाँ पे ये वाली बिल्ली मौसी इस बात से परेशान है कि साला ये कैसा चूहा है जो कि एक पूरे के पूरे बिलौटे बराबर है, पर आवाज बिल्लियों वाली कर रहा है। नंबर 6। यहाँ डॉग भाई इस बड़ी सी छिपकली को दम दे रहे थे, परंतु इनको क्या पता था कि छिपकली तो राखी सावंत निकलेगी। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है, हमें शेर को डरा के दिखा। क्यों डॉग भाई, कैसी लगी, आ गया स्वाद। नंबर 5। हस्की भाई की गर्लफ्रेंड ने इनको बताया है कि उसको जूते पहनने वाले कुत्ते बहुत पसंद है, बस तो फिर। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है। लड़की का चक्कर बाबू भैया। नंबर 4। बिल्लियां कुछ करे ना करे तमाचे तो बहुत बेहतरीन मारती हैं। जरा देखो यहाँ इस बिल्ली की इस मुर्गे पे सटक चुकी है। हाँ? और यहाँ तो इस बिल्ली ने बाघ को भी नहीं छोड़ा। साले रिश्वत खाका के पैसा कमाया है, साले तू मरेगा नहीं तू सड़ेगा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। मैडम वो भी बड़ी बिल्ली ही है, उसने मार दिया तो दांत टूटकर पिछवाड़े से निकल जाएंगे। नंबर 3। ये देखो यहाँ पर ये डॉग भाई मस्त टीवी फटकार रहे हैं और तो और लोगों को चीयर भी कर रहे हैं। नंबर 2। बच्चों के हाथों में मोबाइल गया और इन्होंने ऊट पटांग काम किए, परंतु ये बुद्धिजीवी आज के बाद बिना पूछे किसी का फोन नहीं छुएंगे। ये बच्चा रोते हुए मम्मी के पास भगता जाएगा कि नाक में कॉकरोच घुस गया, माँ अलग पागल होएगी फिर। नंबर 1। दोस्तों यहाँ पर बंदर भाई आराम से जा रहे थे कि तभी इनके साथ हल्का सा प्रैंक हो जाता है। अरे किसने बोला बंदर भाई की फटती है, ये लो। हाँ कौन बोल रहा था,
यार मैं भी बोलते बोलते बहुत थक गया। अगर वीडियो में मजा आया है तो प्लीज लाइक मार दो और हम मिलते हैं आपको भैया अपने अगले एपिसोड में। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।